अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमल्स ब्लॉग। मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज के वीडियो में करने वाले यार ढेर सारे स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। इन स्नैक्स से पहले यार मैं आपको दो वीडियो में पाकिस्तान ड्रिंक्स के बता चुका हूं यार, जिसके आपने बहुत ज्यादा फरमाइश की थी। यार मैं आपको पाकिस्तान स्नैक्स के बारे में बताऊं यार, ताकि आप लोग यार लेज और चीटोस वगैरह का भी यार बॉयकॉट कर सके यार। तो अभी मैं यार 3 से 4 पाकिस्तान मार्केट्स घुमा था यार, और तमाम के तमाम मैंने स्नैक्स इकट्ठे कर लिए जितने मुझे पाकिस्तानी मिले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यार राइट हैंड से शुरू करते हैं यार, ये मुझे लेज के मुकाबले में यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिली है यार, जिसका नाम है चिप्सर, जो कि पाकिस्तान कंपनी की तरफ से यार, और ये स्पाइस फ्लेवर मुझे मिली है यार। उम्मीद है कि इसमें शायद चीज भी आता होगा। अभी चलिए यार बिस्मिल्लाह करते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये क्या है, आधे से भी ज्यादा यार फूक भरी हुई है बीच में, देखो बिल्कुल थोड़ी सी है। अरे वैसे लेज भी यही काम करता है यार, तो मुझे लगता है पाकिस्तान कंपनीज भी ना यार उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। और चिप्स यार कुछ इस तरह से दिखती है यार, कलर भी इसका अच्छा है और स्पाइस भी इसका अच्छा लग रहा है यार ऊपर लगा हुआ। बाकी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो यार अभी मैं चिप्सर की काफी ज्यादा बाइट्स ले चुका हूँ यार, इसका मुझे काफी मजे का फ्लेवर लगा यार। इसको मैं दूंगा यार 10 out of 9। लेज का भी यार मैंने मसाला फ्लेवर ट्राई किया हुआ यार, उससे थोड़ा ये मुख्तलिफ है यार। इसका स्पाइसी वैसे लिखा हुआ है, इसमें ना थोड़ी काली मिर्च भी है मसाला के साथ साथ, तो ये थोड़ा ना मुख्तलिफ है और मजे का भी है यार। आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं यार, मुझे काफी मजे का लगे। और वैसे मुझे यार एक और भी चिप्स याद आ रही है यार, ओए होए के नाम से, अगर आपने वो खाई होगी आपको याद होगा, वो भी काफी मजे की चिप्स होती थी यार। अभी मुझे यार मिली नहीं थी रही यार, मैं कतर का राउंड लगा के आया यार 1 साल बाद, तो मुझे मिली नहीं थी यार, पता नहीं कहाँ गई है। इसके पीछे मुझे यार एक और भी चिप्स मिली है यार, जिसका नाम है यार कर्वी फ्लेमिंग हॉट, और ये यार बेबी की तरह की शेप में, लेकिन मैं इसको ना यार चीटोस फ्लेमिंग हॉट के टक्कर में लाऊं यार, इसके ऊपर फ्लेमिंग हॉट लिखा हुआ है। लेट्स फाइंड आउट द टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो इसकी क्वांटिटी यार पहले वैसे कुछ ज्यादा ठीक है यार, और खुशबू भी ठीक लग रही है, और ये देख सकते हैं आप यार बेबी की शेप में आती है यार, उसका कलर भी काफी अच्छा लग रहा है और मसाला भी ठीक लग रहा है। बाकी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो यार मैं कर्वी फ्लेमिंग हॉट को ट्राई कर चुका हूँ यार, और इसका मुझे काफी मजे का फ्लेवर लगा यार। इसको मैं 10 out of 10 दूंगा यार। फ्लेमिंग हॉट चीटोस की तरह यार इसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं है यार, इसका फ्लेवर है यार कल्डीज की तरह, जो ओरेंज वाली कल्डीज आती थी ना यार, उसको मैंने काफी ढूंढा यार, पता नहीं कहाँ गई है, मिली नहीं रही वो भी यार। लेकिन आपको अगर ये मिलते ना यार कर्वी, तो इसका भी एग्जैक्ट यार कल्डीज जैसा फ्लेवर है यार, मुझे काफी मजे की लगी, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अभी बेबी और कल्डीज की बात हो ही रही थी यार, आप देख सकते हैं यार ये मुझे पास 3 फ्लेवर है यार, सुपर क्रिप्स के मसाला, स्वीट चिली और बारबेक्यू। बारबेक्यू यार बेबी होती है, इसको ट्राई कर लेते हैं यार कि किस तरह इसका फ्लेवर है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो यार इसकी क्वांटिटी भी बस ठीक है यार, जिस तरह पहले गई है यार। बाकी ये शेप देख सकते हैं यार, शेप इसकी थोड़ी मुख्तलिफ है यार बेबी से, थोड़ी यानी कि ज्यादा वाइड लग रही है, और मसाला और कलर भी ठीक लग रहा है यार। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ये स्वीट चिली भी ट्राई कर लेते हैं यार, और मसाला भी। ओके तो यार मैंने तीनों के तीनों फ्लेवर्स ट्राई कर लिए यार, उसका जो फ्लेवर है ना यार ये बेबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है यार, और अलग से मजे का है, लेकिन इतना भी मजे का नहीं है यार। सबको नहीं यार मैं दूंगा यार 10 out of only 6, मुझे इतने मजे के नहीं यार ये लगे। इसका फ्लेवर नहीं यार बिल्कुल यार कि इस तरह जैसे घर में आपने चिप्स बनाई, हाँ घर में चिप्स बनाई, ये इसकी यार बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप घर में चिप्स यानी कि अपने कभी घर में ट्राई की है पतली चिप्स बनाने की, उस तरह की लगती है यार। बाकी अगर आप लोग ट्राई करने यार, तो गो विद दिस या फिर दिस और फिर एंड पे ये वाली। और अभी यार एक नए स्नैक की बारी आ जाती है यार, जिसका नाम है फोर्ड्स। ये यार मुझे ना पुराने पापड़ की याद दिलाती है यार, कतर से वापस आते ना यार, तो मैंने तब ये ट्राई की थी यार, तो मुझे नकली पापड़ जैसे लगी, लेकिन असली फॉर्म है मतलब हाइजीनिक है, कोल्सन की है यार। और ये 2 फ्लेवर्स में यार मुझे मिली थी यार, एक है इसका सिराचा फ्लेवर और एक है बारबेक्यू फ्लेवर। बारबेक्यू फ्लेवर की यार वैसे हवा निकल गई है यार, देख सकते हैं आप, तो अभी इसको ट्राई करते हैं यार, मुझे लगता है सिली होगी होगी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो इसकी क्वांटिटी भी यार पहले पैकेट जैसे ही यार 2/3 यानी कि, और ये आप देख सकते हैं यार कि 3 लेयर्स में, अमूमन 2 लेयर्स में या सिंगल लेयर में होते हैं यार, तो ये 3 लेयर्स के अंदर है, और इसका भी यार काफी रंग अच्छा लग रहा है यार, और मसाला भी काफी अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो अभी मैं इन फोर्ड्स की यार ट्राई कर चुका हूँ यार, काफी मजे के स्नैक्स हैं यार ये भी, इनको मैं 10 out of 10 दूंगा यार। मेरा फेवरेट जो सा नहीं यार ये बारबेक्यू फ्लेवर है। और अगर आप लोग यार पापड़ वगैरह खाने का शौकीन है ना यार, तो आपको ये काफी मजे के लगने वाले हैं यार। आपको पापड़ का ना जरा हल्का सा फ्लेवर आएगा यार, लेकिन हाइजीनिक, क्योंकि ये कोल्सन के है। नेक्स्ट हमारे पास यार ये आ जाता है यार माचो नाचो। करंटली ये मेरे ना यार सबसे फेवरेट स्नैक्स चल रहे हैं यार, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव भी है यार, 80 rupees का एक पैक है यार ये। अगर आप लोग डोरिटोस खाते हैं ना यार, तो उसके टक्कर में यार ये स्नैक्स निकले हैं यार, काफी मजे के हैं। और ये 2 फ्लेवर्स के अंदर आता है यार, एक है स्वीट थाई चिली और एक है हिकरी बारबेक्यू। मेरा फेवरेट नहीं यार ये स्वीट थाई चिली वाला यार, तो इसको ट्राई करते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी मुझे यार बेहतर लग रही है, बाकी से क्योंकि ये पतले स्नैक्स हैं यार, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी यानी कि अच्छी क्वांटिटी है इसकी, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। और ये शेप आप देख सकते हैं यार, ट्रायंगल बनी हुई है यार ड्रिटोस की तरह, और इसके यार कलर भी ठीक लग रहा है यार, और मसाला भी काफी अच्छा लगा हुआ है। अभी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बड़े मजे के स्नैक्स हैं ये वाले। अभी यार मैं माचो नाचो को ट्राई कर चुका हूँ यार, बहुत ही मजे का इसका टेस्ट है यार, इनको मैं 10 out of 10 दूंगा यार। अगर आप लोग यार डोरिटोस खाते हैं यार, तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं यार, बहुत ही मजे का इसका फ्लेवर लगे यार आप लोगों को, इंशाल्लाह बॉयकॉट के लिए ना यार बेस्ट चीज है ये। नेक्स्ट मैं लेके आऊँ यार आप लोगों के लिए चैटी चिंज और डायनो मंचीज, जो कि इन्होंने निकाले हैं यार चीटोस चीज के मुकाबले में, वैसे काफी देर के निकले हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लेके आऊँ यार उनके मुकाबले में। बाकी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको वैसे अरसा ही हुआ है यार, मैं बचपन में कभी खाए हुए हैं यार। ओके तो आप देख सकते हैं यार इस तरह की इसकी शेप है यार, कलर काफी अच्छा है और मसाला भी अच्छा लगा हुआ है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी डायनो मंचीज को भी ट्राई कर लेते हैं यार। वैसे आप देख सकते हैं एक ही कंपनी है यार दोनों की, सुपर क्रिप्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनकी शेप कुछ यार इस तरह देख सकते हैं यार, डायनासोर बना हुआ है कोई पता नहीं लंबी गर्दन वाला। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ यार मैं ढोका खा गया यार इनके कलर से। कलर मुझे चीज वाला लग रहा है, ऊपर लिखा हुआ यार टोमेटो का चट्टू। ये यार जोनसा चीटो सर यार ओरिजिनल नीले वाला, उसके टक्कर में यार ये वाला जोनसा ना यार ये वाला इनका निकाला हुआ है। वही मैं कंफ्यूज होता यार कि एक कंपनी और दोनों चीज है, लेकिन ये चीज नहीं, ये टोमेटो है। और इन दोनों को मैं ट्राई भी कर चुका हूं यार, काफी इनका भी अच्छा फ्लेवर लगा यार मुझे। इसको मैं दूंगा यार 10 में से 9, और इसको दूंगा यार मैं 10 में से 8। चैटी चीज का जो फ्लेवर है ना यार, चीटो से थोड़ा मुख्तलिफ है यार, लेकिन इसका मजे का फ्लेवर है यार। अगर आपने कुछ चीज वाला कुछ खाना नहीं यार, उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं यार। जो ये डायनो मंचीज है यार, आपकी प्रेफरेंस हो सकती है कि आपने क्रंची स्नैक खाना है या थोड़ा सा नरम स्नैक खाना है यार। चीटोस की तरह ये थोड़ा क्रंची की साइड पे आता है यार, तो इसलिए मैं इसको ना 8 नंबर दे रहा हूं। लेकिन स्टिल आप लोग ट्राई कर सकते हैं यार इसको, उम्मीद है आपको पसंद आ जाएगा यार। बॉयकॉट के लिए ये भी अच्छी चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यार ट्विस्टर, ये भी सुपर क्रिप्स का यार, और ये भी मैंने बचपन में बहुत ज्यादा खाया हुआ है यार। मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्नैक था, अपने तरह का अलग ही स्नैक है यार, तो ये किसी का इनके बॉयकॉट नहीं करता। अगर आपने खाना है यार तो आप लोग खा सकते हैं यार। वैसे मैं थोड़ा टेस्ट भूल गया हूं यार, बचपन का ट्राई किया हुआ है। चलिए अभी ट्राई करके भी देख लेते हैं यार किस तरह का टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके तो यार अभी देख सकते हैं यार ये आधे से ज्यादा अंदर से बड़ा हुआ यार, सबसे ज्यादा इसकी क्वांटिटी अंदर से निकली है। और इसकी शेप भी आप देख सकते हैं यार ट्विस्टर की तरह बनी हुई यार, गोल गोल सी, और ऊपर मसाला भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेवर लगता है यार मुझे इंप्रूव हो गया बचपन से, मुझे थोड़ा सा ना यार इंटेंस फ्लेवर लग रहा है, लेकिन मजे का यार बहुत। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा यार, अपने तर्ज का बहुत ही मजे का यार क्रंची सा स्नैक है, मुंह में भी पानी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आती है यार स्लांटी, जो कि यार बच्चे ने खाई हुई यार। मेरा फेवरेट जलेबीन था, मैं जलेबीन उठा के लाया, अब इसको ट्राई कर लेते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा सख्त है यार, और इसकी भी क्वांटिटी ठीक है यार अपने पैकेट के मुताबिक। और शेप इसकी असलांटी की तरह बनी हुई है, असलांटी को खो नहीं जानते यार, और इसके ऊपर फ्लेवर भी काफी अच्छा लगा हुआ है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इस लांटी को भी यार ट्राई कर चुका हूँ यार, और मुझे अभी इतनी पसंद नहीं रही यार, तो इसको मैं 10 में से 9 दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यार टॉप अप, और इसका भी खो नहीं जानते यार, ये भी हमारा बचपन का स्नैक है। क्या मुझे यार एक बचपन के स्नैक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए यार, जिस तरह ये टॉप अप वगैरह हो गया, और गोलगप्पे एक आते थे, और एक जंगल पापड़ आता था, इस तरह के जो पापड़ वगैरह यार हमारे बचपन के, क्या मुझे उसके ऊपर भी यार वीडियो बनानी चाहिए यार। अगर आपकी डिमांड है यार तो बचपन के स्नैक्स के ऊपर यार वीडियो बनाएंगे यार। बाकी चलिए अभी इसको बिस्मिल्लाह कर लेते हैं यार, ये वैसे आप भी बिक रहा है यार देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये भी यार पुरानी क्वांटिटी पे वापस आ गई यार, जिस तरह पहले देखी यार 2/3 जोन से ना यार खाली है, और इसकी शेप जो सी देते हैं यार लेजेंडरी टॉप अप की तरह है, और मसाला भी ठीक लगा है, कलर भी ठीक है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टॉप अप बाकी यार लेजेंडरी स्नैक है यार, भी बचपन की तरह यार सेम वैसे ही टेस्ट है यार, बहुत ही मजे का। इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, आप लोग डेफिनेटली इसके साथ भी जा सकते हैं। लास्टली हमारे पास आते हैं यार स्नेकर्स, ये यार मेरे पास एक चीज फ्लेवर के अंदर और एक पिज्जा फ्लेवर के अंदर, मैं पिज्जा फ्लेवर को ट्राई करूंगा कि मैं पिज्जा का काफी शौकीन हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े यार टाइट किस्म की यार, बंद किया होता है खोल नहीं कभी। और क्वांटिटी यार इसकी भी यार पहले जैसी यार 2/3 वहां भरी हुई है यार, यूनिक शेप है यार इसकी ट्रायंगल की शेप में, और ऊपर यार जाली का पैटर्न दिया हुआ है, और इसका फ्लेवर भी ठीक लग रहा है यार। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके तभी यार मैं स्नैकर्स को ट्राई कर चुका हूँ यार, ये काफी क्रंची सा स्नैक है यार, और जो सीजनिंग है ना यार उस पर बहुत ही मिनिमल सी है, मतलब बहुत कम है, जिस तरह बाकी स्नैक्स है ना यार उस पर काफी भर भर के थी। इसके बाद बहुत ही ना यार लाइट है, तो अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं यार और क्रंची खाना चाहते हैं, तो आप स्नैकर्स के साथ जा सकते हैं यार। इनको मैं दूंगा यार 10 आउट ऑफ 9। इन सब स्नैक्स में से ना यार मेरा सबसे फेवरेट स्नैक ने यार माचो नाचो से यार, आपका सबसे फेवरेट कौन सी यार कमेंट शेयर मुझे लाजम बताया यार। बाकी वीडियो के एंड करते हैं, वीडियो पसंद यार जिसको लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट से अपनी रहेगा जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, थोड़ी मेहरबानी। बाकी मैं बताइए यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।